ये कार्यक्रम भारतीय समाज के उस तबके के इतिहास पर आधारित है जिसे भारतीय संविधान में अनुसूचित जातियों के अंतर्गत रखा गया है। इस कार्यक्रम के दौरान अनुसूचित जातियों को लेकर प्राचीन ग्रंथों, साहित्यों और महापुरुषों द्वारा प्रयोग किए गए शब्दों का आवश्यक स्थानों पर इस्तेमाल किया गया है। इसकी मंशा किसी की भावना को ठेस पहुंचाना या फिर किसी सरकारी अधिसूचना की अवहेलना करना नहीं है। नमस्कार, मैं हूं अनुराधा प्रसाद। न्यूज 24 की स्पेशल सीरीज शोषित में आपका स्वागत है। शोषित जातियों के 5000 साल के इतिहास पर आधारित इस स्पेशल सीरीज के पिछले एपिसोड में हमने बताया था कि मध्यकाल में हिंदू वर्ण व्यवस्था को कैसे चुनौती दी गई। कबीर और रैदास से लेकर भीमा कोरेगांव युद्ध और ज्योतिबा फुले के आंदोलन तक का इतिहास हमने आपको बताया। लेकिन आज हम बात करने वाले हैं उस ऐतिहासिक मोड़ की जिसने शोषित जातियों के भविष्य को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया और इस इतिहास को लिखा था एक ऐसे महान शख्स ने जिनकी तुलना दुनिया के किसी नेता से नहीं की जा सकती, क्योंकि वो दुनिया के इकलौते ऐसे नेता हैं जिनके समर्थक उन्हें नेता नहीं बल्कि भगवान मानते हैं, जो उन्हें हजारों साल की दास्ता से मुक्त कराने के लिए इस धरती पर आया था। हम एक लड़ाई का ऐलान करने के लिए जमा हुए हैं और याद रखिए, हमारा उद्देश्य सिर्फ छुआछूत दूर करना ही नहीं है बल्कि उसकी जड़ को, जाति प्रथा को ही यहाँ से उखाड़ फेंकना है। हम लोग कोई अमर नहीं हो जाएंगे पानी पीने से उस तालाब का, लेकिन हमारा ये कदम साबित करेगा कि हम लोग भी इंसान हैं। हमें ये सिद्धांत लागू करना है कि हिंदुस्तान में किसी भी व्यक्ति की योग्यता उसके जन्म के अनुसार नहीं बल्कि उसके गुणों से तय होगी। यहाँ हम हिंदुस्तानी समाज की नई रचना करेंगे जहाँ ना ही जाति प्रथा होगी और ना ही वर्ग भेद होगा। हमें ये विचार अपनाना होगा कि सभी व्यक्ति समान रूप से पैदा होते हैं और समान रूप से मरते हैं। दुर्भाग्य से मैं एक हिंदू अछूत के रूप में पैदा हुआ, इसे रोकना तो मेरी शक्ति से बाहर था, लेकिन इन अपमानजनक परिस्थितियों में जीने से इनकार करना मेरी शक्ति में शामिल। हालांकि मैं हिंदू पैदा हुआ हूं, लेकिन मैं भरोसा दिलाता हूं आपको कि एक हिंदू के रूप में हरगिज नहीं मरूंगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। 28 नवंबर 1890 को शोषित जातियों के उद्धारक ज्योतिबा फुले का निधन हो गया। उनकी मौत के बाद शोषित जातियों के हक की बात करने वाला कोई नहीं रहा, लेकिन कोई नहीं जानता था कि ज्योतिबा फुले की मौत के ठीक 136 दिन बाद 14 अप्रैल 1891 को एक बच्चे ने जन्म लिया जो शोषित समाज के लिए अनंत काल तक न बुझने वाली क्रांति की मशाल बनने वाला है। लेकिन उस बच्चे की राह इतनी आसान नहीं थी। एक दिन वो छोटा सा बच्चा नदी किनारे बाल कटवाने के लिए गया, लेकिन बाल काटने वाले ने उसे मना कर दिया। वो भैंस के तो बाल काट सकता था, लेकिन उस बच्चे के नहीं। यही था उस छोटे से बच्चे भीमा की जिंदगी का पहला सबक। लेकिन ये तो शुरुआत थी। छोटे भीमा को कभी स्कूल के बाहर बैठकर पढ़ने को मजबूर किया गया, कभी उसे पीने का पानी नहीं मिला, तो कभी चलती बैलगाड़ी से उसे उठाकर फेंक दिया गया। जिस समाज में इंसान की परख उसके गुण से नहीं उसकी जाति से होती हो, वहां भीमा के लिए शिक्षा हासिल करना बेहद मुश्किल था। लेकिन फिर भी उसने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में कामयाबी की इबारत लिखी तो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में अपना लोहा मनवाया और एक दिन इसी शिक्षा को उसने अपना हथियार बना लिया। कोलंबिया में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के गुरु प्रोफेसर सेलिगमैन ने उनसे कहा था कि पढ़ाई सिर्फ दुनिया को समझने के लिए नहीं होती बल्कि दुनिया को बदलने के लिए भी होती है, और डॉक्टर अंबेडकर ने
एक दिन ये करके दिखा दिया। नौ साल का भीमा अपने भाई के साथ कोरेगांव जा रहा था, जहां उनके पिता मेजर सूबेदार थे। बातों ही बातों में बैलगाड़ी वाले ने भीमा की जात पूछी। क्या नाम है? सूबेदार मेजर राम जी सतपाल। भीमा ने अपनी जात महार बताई। फिर क्या था, बैलगाड़ी वाले ने रात 2 बजे भीमा और उसके भाई को कोरेगांव के जंगलों में उतार दिया। यही था छोटे भीमा की जिंदगी का पहला सबक। लेकिन ये कोई नहीं जानता था, इसी भीमा कोरेगांव की धरती पर ये छोटा भीमा बड़ा होकर शोषित जातियों के बीच क्रांति का बिगुल फूंकने वाला है। वो तारीख थी 14 अप्रैल 1891। मध्य प्रदेश के इंदौर के करीब महू में हुआ भीमा का जन्म। उनके पिता रामजी सखपाल ब्रिटिश फौज में सूबेदार मेजर थे, लिहाजा उन्होंने अपने बच्चों खासकर छोटे भीमा की शिक्षा पर खास जोर दिया। स्कूल पढ़ने गए तब वहां पर पहली बार उनको, जब उन्होंने चाही कि संस्कृत में पढ़ूं तो उनको पढ़ने नहीं दिया गया, तो एक तो वहां पर भेदभाव हुआ। भीमा को कई बार क्लास से बाहर बैठकर पढ़ना पड़ता, कई बार प्यासा रहना पड़ता, यहाँ तक कि उन्हें संस्कृत भी नहीं लेने दी गई, क्योंकि कोई शिक्षक उन्हें देवताओं की भाषा कैसे सिखा सकता था। लेकिन सब ऐसे नहीं थे, भीमा के एक ब्राह्मण शिक्षक महादेव अंबेडकर उन्हें हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देते। यहाँ तक कि एक दिन उन्होंने भीमराव के नाम के आगे अंबावडेकर हटाकर अपना सरनेम अंबेडकर दे दिया और यहीं से भीमा का नाम पड़ा भीमराव रामजी अंबेडकर। अंबावडेकर की जगह अब तुम्हारा उपनाम होगा अंबेडकर। आप मुझे अपना नाम दे रहे हो गुरुजी? 1907 में मैट्रिक की परीक्षा पास करने के बाद भीमराव ने मुंबई के एल्फिंस्टन कॉलेज में दाखिला ले लिया। वो ऐसा करने वाले पहले दलित छात्र थे। 1912 में डिग्री पूरी करने के बाद अंबेडकर के जीवन में सबसे अहम मोड़ आया। भीमराव ने बड़ौदा रियासत की स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में दाखिला ले लिया। उनका अगला पड़ाव बना ब्रिटेन। यहाँ पढ़ाई पूरी भी नहीं हो पाई थी कि स्कॉलरशिप खत्म होने पर उन्हें वापस स्वदेश लौटना पड़ा। स्कॉलरशिप की शर्त के मुताबिक भीमराव बड़ौदा स्टेट में नौकरी के लिए पहुंचे। कहने को वो बड़े अधिकारी थे, लेकिन समाज का नजरिया उनके लिए नहीं बदल पाया था। वो जब पढ़ के आते हैं बाहर से, जब यहाँ रहने के लिए जब वो बड़ौदा की उसमें जो उन्होंने एक करार किया हुआ था कि आने के बाद वो उनके यहाँ नौकरी करेंगे, जब वो नौकरी करने के लिए जाते हैं तो जिस तरीके से फाइल उसके मुंह पे मार दी जाती है, पानी देना तो बहुत दूर की बात है, उनको यहाँ रहने के लिए छत नहीं मिलती। अंबेडकर को दफ्तर में पानी नहीं मिलता। जरा एक ग्लास पानी तो देना। सुना नहीं मैंने क्या कहा? पानी नहीं है। न क्लब की मेंबरशिप मिलती और न ही रहने को कमरा। अंबेडकर मुंबई लौटकर सिडनम कॉलेज में प्रोफेसर बन गए। आई एम प्रोफेसर अंबेडकर, आई विल बी योर लेक्चरर इन पॉलिटिकल इकोनॉमी। इसी दौरान जब एक बार साथी प्रोफेसर ने उन्हें पानी पीने से रोका तो अंबेडकर ने चुप रहने के बजाय पहली बार करारा जवाब दिया। ये पानी सिर्फ प्रोफेसरों के लिए ही है। आप त्रिवेदी हैं ना, तो आप बेहतर जानते होंगे कि अशुद्ध पानी को शुद्ध कैसे किया जाए। नहीं, मैं बताता हूँ। अमेद शव चंडाल मध्यमा साधि दूषिता,
ये मंत्र वृद्ध हरित स्मृति से है। अम्बेडकर ने अब तय कर लिया था कि वो सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी शोषित जातियों के लिए हजारों साल से बंद दरवाजे खोल देंगे। उस दौर में भीमराव समाज से पीड़ित थे, वो समाज से दुखी भी थे, इस समाज के प्रति उनके मन में आक्रोश भी था, लेकिन साथ ही साथ उनके अंदर समाज में बदलाव लाने की ललक भी थी। इसकी शुरुआत उन्होंने चार अलग अलग आंदोलनों से की। पहला था 1927 में महाड़ सत्याग्रह, जो चावदार तालाब के शोषित जातियों को पानी पीने का हक दिलवाने के लिए किया गया था, जिसमें अंबेडकर कामयाब भी हुए। भारतीय इतिहास में यह पहला मौका था जब शोषित जातियों ने अपना हक अपने दम पर लड़कर पाया था। डॉक्टर अंबेडकर का दूसरा आंदोलन था भीमा कोरे गांव में शोषित जाति वाली महार सेना की जीत का जश्न हर साल मनाना, जो आज तक जारी है। इस जश्न के जरिए डॉक्टर अंबेडकर शोषित जातियों को गर्व का एहसास दिलाना चाहते थे। उनका तीसरा आंदोलन नासिक के कालाराम मंदिर में शोषित जातियों के प्रवेश को लेकर था। इसके जरिए वो ब्राह्मणवाद की कट्टर सत्ता पर चोट करना चाहते थे। लेकिन जिस चौथे आंदोलन ने उस समय के पूरे हिंदू समाज को हिलाकर रख दिया, वो था मनुस्मृति का दहन। क्योंकि अंबेडकर मानते थे कि वर्ण व्यवस्था और शोषितों के साथ होने वाले हर अत्याचार की जड़ मनुस्मृति है। मार्च 1927 महाड़ का चावदार तालाब, हजारों हाथों में तालाब का चुल्लू भर पानी था, पानी घूंट बनकर गले के नीचे उतर रहा था। लेकिन ये सब प्यास बुझाने के लिए नहीं था। सदियों तक जिन्होंने भेदभाव का कड़वा घूंट पिया था, वो लोग आज इस पानी के हर एक घूंट से हर कसैले स्वाद को मिटा रहे थे। उस रोज ये चावदार तालाब सच में उन लोगों के लिए गंगा से भी ज्यादा पवित्र हो गया था, जिन्हें अब तक सिर्फ तिरस्कार मिला था। और इस गंगा को महाड़ की धरती पर लाने वाला भागीरथ था डॉक्टर भीमराव बाबा साहब अंबेडकर। जो चौदार टैंक के पास जो कि एक तालाब, ऐसा तालाब था जो कि नगर महापालिका के द्वारा अनुमानित था कि सभी लोग इसमें पानी पीने के लिए अनुमन्य है, लेकिन क्योंकि समर समाज का वर्चस्व इतना ज्यादा था कि वहां पर पानी नहीं ले सकते थे दलित समाज के लोग। वो 1920 का दौर था, छुआछूत और भेदभाव पूरे चरम पर थी, और ऐसी ही एक मिसाल थी ये महाड़ का चावदार तालाब। इस तालाब से गाय ढोर तो पानी पी सकते थे, लेकिन दलितों को पानी पीना तो दूर, इसके पास भटकना तक मना था। ठीक उसी वक्त विदेश से पढ़ाई पूरी कर वापस लौटे डॉक्टर अंबेडकर सोए समाज को नींद से जगाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब वक्त अखबार में लेख लिखने और तकरीर देने के बजाय कुछ ऐसा करने का आ गया था जो पूरे समाज में एक नई क्रांति ला दे। और इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने चुना चावदार तालाब। तो डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर ने जो पहला आंदोलन किया, वो आंदोलन इसलिए किया कि सारे लोगों को इकट्ठा करके, पहले बार दलितों को इतने बड़े संख्या में एकत्रित किया गया, और उन्होंने स्वयं उसमें नेतृत्व किया, और वो महाड़ के लेक पर जाकर उन्होंने वो पानी का प्राशन किया। वो पानी का प्राशन किया तो अपना जो हक है वो उन्होंने निभाया। अंबेडकर ने लोगों को समझाया कि चावदार तालाब का पानी अमर होने के लिए नहीं बल्कि अपने आत्म सम्मान के लिए पीना जरूरी है। इसके बाद वो हुआ जो इससे पहले हिंदुस्तान के इतिहास में कभी नहीं हुआ था। पहली बार दबे कुचलों और पीड़ितों ने अपना हक
लड़कर लिया था। बाबा साहब अंबेडकर का मानना था कि राजनैतिक चेतना से पहले सामाजिक चेतना बहुत आवश्यक है। लेकिन अंबेडकर अब वो करने वाले थे जो हिंदू धर्म के इतिहास में अब तक किसी ने नहीं किया था। चलो नष्ट करें असमानता से भरे हुए पौराणिक हिंदू धर्म ग्रंथों की सत्ता को। भाइयों और बहनों, धर्म और गुलामी एक साथ नहीं चल सकते। महाड़ आंदोलन के दौरान ही 25 दिसंबर 1927 को अंबेडकर ने हिंदू धर्म ग्रंथ मनुस्मृति को जलाने का फैसला किया। स्वयं हुआ वैश्य शूद्रो प्रयत्न स्वानी कर्माणि कार्य सौहिजितो स्व कर्मभ्य शोभयेतामिदं जगत्। का मानना था कि मनुस्मृति के कोड के आधार पे ही हिंदू धर्म में दूसरी जातियों के साथ व्यवहार होता रहा है। उन्होंने इसका प्रतिकार करने की कोशिश की। अंबेडकर का अगला ठिकाना था नासिक का काला राम मंदिर। यहाँ दलित मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते थे। अंबेडकर ने मंदिर में प्रवेश के लिए सत्याग्रह शुरू किया। धर्म के ठेकेदारों ने मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए। लेकिन जो हार जाए फिर वो भीमराव अंबेडकर कैसा। लड़कर ही सही, बाबा साहब ने वो हक भी हासिल कर लिया। मंदिर में प्रवेश, डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर की। मंदिर में हमें प्रवेश क्यों नहीं है? अगर हम हिंदू हैं तो आपके देवता के लिए हम अंदर क्यों नहीं जा सकते? हमको मंदिर के बाहर क्यों रहना पड़ता है? उन्होंने ये भी कहा था कि मंदिर में जाके मैं कोई अमर नहीं होने वाला हूं, लेकिन मेरे जो मानव अधिकार है वो अधिकार मुझे मिलने चाहिए, मेरे लोगों को मिलने चाहिए, इसलिए उन्होंने वो आंदोलन किया। शोषित जातियों के समाज में तो अंबेडकर ने क्रांति कर दी थी, लेकिन अब उन्हें सियासत का सामना करना था। ओजस्वी विचार और कामयाब आंदोलनों की वजह से अंबेडकर शोषित जातियों के एक बड़े नेता के तौर पर उभर चुके थे। इसी दौर में उनका टकराव ऐसी शख्सियत से हुआ जिसके पीछे पूरा हिंदुस्तान खड़ा था, और उस हस्ती का नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। बापू खुद छुआछूत के खिलाफ संघर्ष कर रहे थे। शोषित जातियों को उन्होंने हरिजन का नाम दिया था, जिसका अर्थ होता है ईश्वर की संतान। लेकिन अंबेडकर को लगता था कि हरिजन शब्द से बराबरी नहीं बल्कि दया का भाव पैदा होता है। कई लोग मानते हैं कि शुरुआती दौर में बापू अंबेडकर को ठीक तरह से पहचान नहीं पाए। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा कि बापू को लगता था कि अंबेडकर ब्राह्मण है। उन्हें ये नहीं पता था कि अंबेडकर खुद एक शोषित जाति महार समुदाय से आते हैं। बापू ने अपनी इस भूल का जिक्र महादेव देसाई से 1932 में यरवदा जेल में किया भी था। बाद में गांधी ने कहा था कि डॉक्टर अंबेडकर की जगह अगर मैं भी होता तो मेरे अंदर भी इतना ही क्रोध होता, और तब शायद मैं अहिंसा के रास्ते पर नहीं चल पाता। ये वही साल था जब शोषित जातियों के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट के मुद्दे पर बापू और बाबा साहब के बीच टकराव इतना बढ़ा कि बापू आमरण अनशन पर बैठ गए, जिसका अंजाम ऊना पैक्ट से हुआ, जिसे शोषित जातियों के इतिहास में एक टर्निंग पॉइंट कहा जा सकता है। वो जंगे आजादी का दौर था। हजारों लाखों हिंदुस्तानियों की भीड़ गांधी जी के पीछे चल रही थी, लेकिन एक इंसान था जो इस भीड़ से अलग था, क्योंकि उसे दया नहीं उसे हक चाहिए था। डॉक्टर अंबेडकर को हमेशा लगता था कि गांधी छुआछूत के तो खिलाफ हैं, लेकिन वो वर्ण व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहते। 1953 में ये बात उन्होंने एक इंटरव्यू में भी कही थी। He conducted two papers, one in English, the Harijan, you see, and before that, Young India, and in Gujarat he conducted another paper, you see, which is called the Deen Bandhu
something like that. Now if you read the two papers, you will see how Mr. Gandhi was deceiving the people. In the English paper, he posed himself as an opponent of the caste and of untouchability, you see, and that he was a Democrat. But if you read a Gujarati magazine, you see, you will see him a more orthodox man. He has been supporting the caste system, the Varnashram Dharma, and all the orthodox dogmas, you see, which has kept India down. हरिजनों को तो अपनाना ही चाहिए, वो तो जैसे हम हिंदू हैं ऐसे ही हैं, वो कोई पंचम जाति है, पंचम जाति ऐसी चीज हिंदू धर्म में हो नहीं सकती है, चार वर्ण है सही। वो 1930 का साल था, अंबेडकर ने शोषित जातियों के लिए मुसलमानों और सिखों की तरह अलग से निर्वाचिका की मांग रखी। इसका मतलब था कि शोषित जाति के लोग अपने उम्मीदवार अलग से चुनेंगे। बापू को लगता था कि इससे हिंदू समाज बढ़ जाएगा। नतीजा, लंदन की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में अंबेडकर और गांधी अब आमने सामने थे। He said, I recognize only three communities. You see, namely Hindus, you see, Muslims and Sikhs. These are the only three communities that will have a political recognition. Where all his friends, I know, you see, were asking him. How foolish was his attitude. You see, his own friends had quarreled with him on this subject. That if you are prepared to give, you see, special representation to the Sikhs and special representation to the Muslims, who are 1,000 times superior in strength, you see, and political and economic stamina, how can you deny it, you see, to the scheduled caste or to the Christian, you see. He always used to say, oh, you don't understand our problem. 1932 तक आते आते अंग्रेजों ने अंबेडकर की बात मान ली और शोषित जातियों को अलग से अपने उम्मीदवार चुनने का अधिकार दे दिया। उधर बापू ने शुरू कर दिया अपने आखिरी हथियार यानी आमरण अनशन का इस्तेमाल। गांधी जी, आप बड़ी नाइंसाफी कर रहे हैं हमारे साथ। क्या तुम मेरी मजबूरी है? अनशन की वजह से दिन ब दिन बापू की हालत गिरने लगी। पूरे देश में लोग अंबेडकर का विरोध कर रहे थे, जिसमें हिंदू कट्टरपंथी सबसे आगे थे। उधर अंबेडकर को अपने हक के साथ साथ बापू की भी चिंता थी, लिहाजा उन्होंने अपनी अलग निर्वाचिका की मांग छोड़ दी और बदले में बापू ने अनशन तोड़ दिया। He also didn't in the first beginning, in the beginning when he wrote about it, Ramji Mohan, he said, no, the scheduled caste should have nothing, no representation, you see. Then his own friend said to him, this was asking for too much. He said, nobody would support you in this matter. Then Malviya and others came to me and said, well, could you not help us to solve this problem? You see, I said, well, I don't want to solve this problem by sacrificing what we have been able to get from the British. Said, I suggested an alternative formula. And that formula was that I am not prepared to give up the separate electorate, but I am prepared, you see, to modify the thing. अंबेडकर ने कांग्रेस के नेताओं के साथ एक संधि की, जिसे पूना पैक्ट के नाम से जाना जाता है। बाद में पूना पैक्ट शोषित जातियों के आंदोलन में एक निर्णायक मोड़ साबित हुआ और बाद में यही आरक्षण का आधार भी बना। फाइनली वो कॉम्प्रोमाइज कर दिए। बड़े प्रेशर के अंडर डॉक्टर अंबेडकर जी ने कॉम्प्रोमाइज किया, जिसको पूना पैक्ट कहते हैं। तो स्वतंत्र मतदार संघ की घोषणा को पीछे लिया गया और ज्वाइंट इलेक्टोरेट्स का की प्रस्तावना की गई, जिसमें इनके लिए दलितों के लिए आरक्षण दिया गया। और दोनों ने बड़ी बहादुरी से एक दूसरे का सामना किया और सामना करके उन्होंने अपने अपने वक्त में अपनी अपनी जगह बनाई। इसीलिए अम्बेडकर का जो बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है गांधी के जीवन में, वो ये कि गांधी के जीवन के बहुत सारे पक्ष जो शायद बाद में उभरते, उनको बहुत पहले ही उभरने का मौका अंबेडकर के कारण मिला। बापू और बाबा साहब में भले ही कितना भी राजनीतिक विरोध क्यों ना हो, लेकिन दोनों एक दूसरे को बहुत अच्छे से समझते थे।
बापू और बाबा साहब में भले ही कितना भी राजनैतिक विरोध क्यों ना हो, लेकिन दोनों आपस में हमेशा एक दूसरे का सम्मान करते थे। बाबा साहब ने अगर बापू की जान बचाने के लिए पुनः पैक्ट किया तो बापू की सलाह पर ही पंडित नेहरू ने उन्हें पहले कानून मंत्री और बाद में संविधान की ड्राफ्टिंग कमेटी का अध्यक्ष चुना। गांधी चाहते थे कि भारत का संविधान वो शख्स बनाए जो खुद शोषित रहा हो और उसने भेदभाव के दंश को झेला हो। गांधी ने जो सोचा था डॉक्टर अंबेडकर ने वही किया। भारत का संविधान शोषित जातियों के लिए सही मायनों में असली आजादी लेकर आया। संविधान के जरिए हजारों साल से चली आ रही छुआछूत को अपराध घोषित किया गया। शोषित जातियों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई। आज अंबेडकर की वजह से ही भारत के संविधान को दुनिया के महानतम संविधानों में से एक माना जाता है। लेकिन इस संविधान के लिए बाबा साहब ने ये भी कहा था कि संविधान कितना ही अच्छा क्यों न हो, वो आखिरकार बुरा साबित होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग बुरे होंगे, और संविधान कितना ही बुरा क्यों न हो, वो अच्छा होगा अगर उसे अमल में लाने वाले लोग अच्छे हों। इज नॉट विद रिगार्ड टू द अल्टीमेट, आवर डिफिकल्टी इज विद रिगार्ड टू द बिगिनिंग। आई शुड हैव थॉट इन ऑर्डर टू इंड्यूस एवरी पार्टी एवरी सेक्शन इन दिस कंट्री, it would be the act of greatest statesmanship even to make a concession to the prejudices of people who are not prepared to march together. And it is for that I propose to make this appeal. Let us leave aside slogans. Let us leave aside words which frighten people. Let us even make concession to the prejudices of our opponents. Bring them in so that they may willingly join with us on marching upon that road, which, as I said, if we walk long enough, must necessarily lead us to unity. देश का महान संविधान तैयार करते वक्त बाबा साहब ने जो ये बात कही थी वो आज भी कितनी सही लगती है। बाबा साहब ने संविधान के जरिए लोकतंत्र को मजबूत बनाया तो नागरिकों की आजादी का भी पूरा ख्याल रखा। धार्मिक स्वतंत्रता को पुख्ता बनाया तो छुआछूत को नष्ट करने के लिए कानून भी बनाए। लेकिन बाबा साहब जानते थे कि छुआछूत के खिलाफ कानून बना देने से काम नहीं चलेगा। हजारों साल से प्रताड़ना झेल रही शोषित जातियों को आगे लाने के लिए उन्हें समान अवसर देने होंगे, इसीलिए उन्होंने संविधान में आरक्षण की व्यवस्था की। There are two things about the scheduled caste. We want untouchability to be abolished, you see. But we also want, you see, that we must be given equal opportunities, you see, so that we may rise to the level of the other classes. Mere washing off of untouchability is of no consequence. We should have the same status, you see, in the country, and that they should have the opportunity to hold high offices, so that not only their dignity will rise, but also they will get what I call strategic positions from which they could protect their own people. अनुसूचित जातियों को मिलने वाले आरक्षण पर आज भी बहस चल रही है, लेकिन इसे लेकर बाबा साहब की सोच अलग थी। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन लिखने का उनको जब मौका मिल गया तो कॉन्स्टिट्यूशन में दलितों के लिए, शोषितों के लिए, पीड़ितों के लिए अधिकार का निर्माण करने का काम भी डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने किया। आज हिंदुस्तान के 121 करोड़ लोगों की सबसे बड़ी ताकत है उसका महान संविधान, और इस संविधान के हर पन्ने पर झलकती है बाबा साहब की काबिलियत और दूरदर्शिता। तभी तो हर भारतीय को जितना गर्व अपने संविधान पर है उतना ही गर्व है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पर। बाबा साहब अंबेडकर न सिर्फ शोषित जातियों के अधिकार के लिए लड़ रहे थे, बल्कि वो समाज की हर कुरीति के खिलाफ थे। अंबेडकर
अब देश के कानून में एक ऐसा बदलाव लाना चाहते थे जिसने पूरे हिंदू सवर्ण समाज को नाराज कर दिया। इस बात से अंबेडकर को काफी तकलीफ पहुंची, जिसके बाद उन्होंने एक ऐसा कदम उठाया जिसने पूरे हिंदू समाज और वर्ण व्यवस्था की नींव हिला दी। क्या था वो कानून और क्या था अंबेडकर का वो कदम, बताएंगे आपको शोषित के अगले एपिसोड में। तो फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए न्यूज 24।